देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में आज जिला और महानगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक इमरान मसूद और जिलाध्यक्ष शशि वालिया सहित कांग्रेस जनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा की वारदातों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने की कार्रवाई ना हो इसकी मांग की। देखिए, भारत बंद में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारा मानना यह है कि हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जिस प्रकार से हिंसा कर करके और आंदोलन को एक पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आंदोलन को विफल करने का प्रयास हिंसा के द्वारा किया गया, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चूंकि बार बार दलित संगठनों ने इस बात का आह्वान किया कि किसी भी सूरत में हिंसा नहीं करेंगे, उसके बाद भी हिंसा हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इसमें पर्दे के पीछे कोई दूसरा तो राजनीतिक खेल खेलने के प्रयास नहीं कर रहा, जिससे दलितों को टारगेट करके, दलितों को फोकस करके, इनका उत्पीड़न करके, इनको दबा करके फिर उसी विचारधारा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाए। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।